तेरा में नींद आई नींद तो गाइस ये सुबह उठता ही था, 10 बजे तक सोया रहता था, तो नींद ही आएगी इसको। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज स्वयं का स्कूल का छुट्टियों के बाद पहला दिन है और सुबह मैं उसको छोड़ के आया हूँ। सो जस्ट उस टाइम पे वीडियो नहीं बना सका, बट आज क्योंकि इतने दिन के बाद वो स्कूल गया है तो यू कैन अंडरस्टैंड द पोजीशन कि उसको कैसे उठाना पड़ रहा था सोए हुए को, और उसको उठा करके फिर बड़ी मुश्किल से तैयार किया। अब स्कूल छोड़ के आया था, स्कूल छोड़ के आया हूँ, तो अभी जब लेने जाऊँगा तब कोशिश करूँगा वीडियो बनाऊँ। अभी मैं फ्रेश होकर के रेडी हो गया हूँ जिम जाने के लिए। सो गाइस, मैं जिम से वापस आके नहा धो के तैयार हो गया हूँ, अब फ्रेश हो गया हूँ। अभी मैं स्वयं को लेने जा रहा हूँ क्योंकि स्वयं आज सुबह स्कूल गया था, और जिम के कुछ वीडियोस हैं मैंने ऑलरेडी पीछे डाल दिए हैं। आपको कुछ एक्सरसाइजेस अगर ठीक लगें तो आप भी करें। सो गाइस, अभी मैं लेकर के आ गया हूँ। स्कूल लेकर जाने के लिए पहली शर्त है कि आप हाफ पैंट में नहीं जा सकते, तो मैंने ये फुल पैंट पहनी है। और फुल पैंट मैंने कौन सी पहनी है, जो मैंने क्या कहते हैं कि पहले खरीदी थी, जो मेरे वेट लूज़ करने से पहले की जर्नी से पहले की पैंट है। तो आप देख सकते हैं ये नीचे नीचे जाई जा रही है, और इसका गैप आप देख सकते हैं, ये इतना वेट मैंने लूज़ किया है जो मैंने पहले पैंट पहनता था। ये देखिए इतना वेट मैंने लूज़ किया है। सो अगर आप भी वेट लूज़ करना चाहते हैं तो ये मैंने वीलॉग स्टार्ट ही इसलिए कराया कि जो मैंने अपनी लाइफ में अचीव करा पिछले कुछ टाइम में, और मैंने लाइफ में जो जो चेंजेस करे, लाइफस्टाइल चेंज के लिए ही वीलॉग है। और उसके साथ में फ़न एक्टिविटीज़ भी हैं जो स्ट्रेस लेवल को दूर करती हैं। बच्चों के साथ भी मैं फ़न एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होना शुरू हो गया हूँ, जो पहले कभी नहीं रहता था। तो इतने सारे चेंजेस मैंने अपने रखे, क्योंकि मैं पहले बहुत शाई था, और आप अगर मेरे सराउंडिंग में किसी से पूछेंगे तो मैं बात नहीं करता था कभी किसी से। अब मैं खुल के बात भी करता हूँ, कैमरा को भी फेस करता हूँ, और आप लोगों से भी बात कर रहा हूँ। सो ये एक बहुत बड़ा चेंज मैंने लाइफ में लेकर के आया है, और इसके साथ साथ वेट लूज़ किया है। वेट लूज़ करने के साथ साथ अभी जो बच्चों के साथ मैंने खेलना कूदना, बच्चों के साथ भी एक्टिविटीज स्टार्ट करी हैं, बच्चे भी मेरे साथ इन्वॉल्व होने शुरू हो गए हैं। सो आज मैं स्वयं को लेकर के आया हूँ, स्कूल से जस्ट पहुँचा हूँ। गर्मी बहुत है बाहर, लेकिन सुबह जितना मैंने पसीना निकाला उतना पसीना नहीं निकला है। वहाँ पे एसी भी चल रहा था जिम में, पंखे भी चल रहे थे, लेकिन उसके बावजूद मैंने पसीना बहुत निकाला। और वो जो पसीने वाली फोटोज़ हैं वो आपने इसी व्लॉग में पहले आपने देखी होंगी। सो आप कंपेयर करना कि वो पसीना और ये पसीना कितना डिफरेंस है। सो गाइस, अब अभी थोड़ा सा फ्रेश होकर के मैं रेस्ट करके के शाम को ऑफिस जाऊँगा। मीन टाइम बच्चे आपके साथ बात करेंगे, तो स्वयं अभी थोड़ी देर में फ्रेश होकर के फिर आपसे बात करेगा। स्कूल में आई डोंट नो कि क्या हुआ आज, क्या था, फिर वो बताएगा अपने स्कूल का पहले दिन का एक्सपीरियंस, उसने कैसे, उसके कितने दोस्त आए थे। सो गाइस, आज बनाया पालक पनीर, तो आज मैं पालक पनीर खाऊंगा, और सैलड मैं खा चुका हूँ, प्रोटीन शेक मैं ले चुका हूँ। आज बेटा इंजेक्शन लगवाया है, बीमार था ना, तीन इंजेक्शन, मतलब गाड़ी में देंगे कितने, उसने बोला अच्छा इधर बैठो, फटाफट बैठ गया गाड़ी में जाके, बड़ी मस्ती में बैठ गए। आज तो मास्क भी लेकर गए थे, नहीं नहीं मास्क की जो कहते हैं, आज तो इसने कुछ भी नहीं करा था, नहीं करा तो आज उसको पता है ना, मैंने काट लिया बस, अब मैं और तंग नहीं करूंगा, मैं आराम से लेकर वो कहते उसकी जख्म था ना जहाँ पे उसके हाथ लग गया ना वहाँ पे, इसलिए उसको जैसे की पापा ने बोला था कि स्कूल का एक्सपीरियंस स्वयं आपको बताएगा, तो फिर मैं आपको स्कूल का एक्सपीरियंस पूरा बताऊंगा। जैसे कि आज मैं गया था तो पहले पीरियड में हुआ था कुछ भी नहीं, नॉर्मल निकला पहला पीरियड, सारे पीरियड मस्ती में निकले मेरे, तो मेरे को सब पीरियड में नींद आई नींद तो गाइस ये सुबह उठता ही था, 10 बजे तक सोया रहता था, तो नींद ही आएगी इसको तो गाइस मैं
मैं जिम जाता हूँ, मैं फिटनेस के लिए जिम जाता हूँ। मेरा मकसद ये नहीं है कि मेरे को एब्स निकालने हैं, कि मेरे को बाइसेप्स बड़े करने हैं। मैं मेरा मेन मोटिव है फिटनेस। फिटनेस जो है उसमें बाकी चीज़ों का भी ध्यान रखना पड़ता है। आप ठीक है, आप जो भी काम कर रहे हैं बहुत बढ़िया कर रहे हैं, लेकिन टाइम टू टाइम अपने ब्लड चेकअप जरूर कराते रहें, ब्लड अपना इंसुलिन लेवल जरूर चेक कराते रहें, क्योंकि किसी न किसी लेवल पे आकर के अगर आपके हार्मोनल इनबैलेंस होते हैं, चाहे आप जिम करें चाहे कुछ करें, जब तक आप उसका ट्रीटमेंट नहीं करेंगे आपको उसका कोई बेनिफिट नहीं होने वाला। सो अगर आपको पूरे बेनिफिट लेने हैं तो आपको अपने ब्लड में ब्लड मार्कर्स को ध्यान में रख करके ब्लड मार्कर्स के अकॉर्डिंगली ही काम करना पड़ता है। कई लोगों का विटामिन डी लेवल बहुत गिर जाता है और वो जिम जाते रहते हैं बाकी। और मैंने बहुत से ऐसे मेरे सराउंडिंग में बहुत से ऐसे पर्सन हैं जो जिनको मैंने कई बार बोला कि आप अपना ब्लड चेकअप करवाएं, लेकिन वो नहीं करवा रहे हैं जस्ट बिकॉज कि पता नहीं क्या हो जाएगा, क्या निकल जाएगा। सो वो एक बहुत गलत मेंटेलिटी है। आप अपना ब्लड चेकअप कराएं जिससे आपको पता लगे कि आपकी बॉडी में क्या कमियां हैं और वो कमियों को आप दूर करें, चाहे मेडिसिन लेकर के चाहे सप्लीमेंट लेकर के। और हमेशा डॉक्टर की हमेशा अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें, अपने हेल्थ प्रैक्टिशनर को कंसल्ट करें, अपने न्यूट्रिशनिस्ट को कंसल्ट करें। सो ये सारी चीज़ें अगर आप टाइम टू टाइम करते रहेंगे और अपना फिजिकल मूवमेंट्स करते रहेंगे, ये सारी चीज़ें अगर आप टाइम टू टाइम करते रहेंगे और अपनी फिजिकल मूवमेंट करते रहेंगे, सो उसके बाय प्रोडक्ट्स हैं, अपने आप बाइसेप्स आते हैं, अपने आप बॉडी शेप में आती है। सो ये सारी चीज़ें जो हैं एक दूसरे से लिंक्ड हैं। लेकिन आप अगर एक ही चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देंगे, बॉडी को बहुत हाई लेवल पे स्ट्रेस कर देंगे, तो वो बॉडी कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। सो गाइस, जो मैंने इसको बोला था कि फुटबॉल देने के लिए, फुटबॉल का पूरा अभी मम्मी ने सीक्रेट खोल दिया है। सो अब देखो ये अनबॉक्सिंग करेगा फुटबॉल की, लेकिन ये फोन को हाथ नहीं लगाएगा। ये तो दो दिन बाद मम्मी ने बता दिया इसको, इसको दो दिन के बाद ही बताना था लेकिन मम्मी ने बता दिया इसको। गाइस, सो ये फुटबॉल की अनबॉक्सिंग करती है इसने, कैसी लगी? तो ये फोन दे दे मेरे को, नानी मम्मा को दे देंगे ये फोन। देखो गाइस, इसने अभी मेरे हाथ में फोन पकड़ा तो दिया है, बट तो इसमें हवा कैसे भरेगा? पिन होगी इसकी साथ में, पिन आई है। हाँ, तो गाड़ी से भर के लाते हैं अभी। पर गाड़ी वाला पंप भी खराब हो चुका है। सो गाइस, अभी फुटबॉल इसको दे दी है, अभी देखते हैं इसमें हवा भरने के तरीके, कैसे इसमें हवा भरी जा सकती है, क्योंकि ऑलरेडी टाइम हो चुका है। सो गाइस, 9:15 का टाइम हो गया और ये अभी लगा हुआ है कि इसको फुटबॉल में हवा भरनी है, अभी मेरे को बोल रहा है। सो लेट्स सी अगर गाड़ी का पंप ठीक है, क्योंकि गाड़ी का पंप थोड़ा सा खराब हो रखा है। अगर वो पंप ठीक है तो फिर देखता हूँ, अभी गाड़ी से हवा भर के लाते हैं इसमें। दिखा जरा इसकी पिन, दिखा कैसी है। ये पिन है, होपफुली गाड़ी के पंप से इसमें भर जाएगी हवा। ठीक है, लेट्स सी, अभी देखते हैं। देख इसमें कितने PSI हवा रखनी है, बॉक्स में लिखा होगा। नहीं नहीं, इसमें नहीं, मैनुअल है इसके साथ, बॉक्स के अंदर ही होगा जो भी होगा। चल ठीक है, हवा भर के लाते हैं, चल आ जा। तो गाइस, जैसे कि अभी मैं एडिटिंग कर रहा था, पापा ने मेरे को बोला था कि एडिटिंग करनी है, तो गाइस मैं अभी एडिटिंग कर रहा था। तो गाइस, इस व्लॉग को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। ईट हेल्दी, कीप मूविंग, स्टे एक्टिव, स्टे फिट। बाय।